हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग एकेडमी पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपन बात करते हैं NAS की जो परीक्षा है तो उसके बारे में बात करते हैं, तो अपन आज सेट नंबर 3 लेके आए हैं। तो साइंस का सेट नंबर 3 में जितने भी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पर अपन आज इस सेट में चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जम के शेयर करें और अपने जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने पास जितने भी ग्रुप है, उन सब में ये शेयर करना ताकि सबकी अच्छी हेल्प हो और सब अच्छी तैयारी करें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। श्वसन क्रिया निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो बात करते हैं श्वसन क्रिया है वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन होगा बी, ठीक है, भाई ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो 2 में अपने क्या है, नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए खाद्य सामग्री जो लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, तो उसमें क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी होनी चाहिए, नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, तो वो क्या लंबे समय तक रह सकती है। तो इसमें अपना ऑप्शन होगा ऐसे ही। फिर बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या करना है, आपका संयोजन अभिक्रिया होगी, जो अभिक्रिया दे रखी है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें उदाहरण से बताना, तो वो संयोजन अभिक्रिया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? हाइड्रोजन नहीं है। फिर है नीला तथा रासायनिक सूत्र है, तो इसका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथियों, तो इसमें होगा बे ऑप्शन CuSO4 5H2O, ठीक है, ये जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, इसको अच्छे से देखें। और फिर बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए सफेद पाउडर का उपयोग करता है, उस पदार्थ का नाम क्या है? यानी 6 नंबर क्वेश्चन में आपको पता है सफेद पाउडर होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पीने वाले जल के जीवाणु मुक्त करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग करता है? जो पीने वाला जल होता है उसमें किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन CaOCl2, ठीक है। 7 क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो साथियों 8 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आ जाओ। फिर बात करते हैं सुनार आभूषण बनाने में सोने के साथ किस धातु को मिलाता है, यानी जो सुनार होता है वो आभूषण बनाता है, उसके साथ कौन सी धातु मिलाता है? तो उसमें बात करें तो सुनार है जो तांबा मिलाता है, तांबा मिलाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन करेंगे बै, राइट, क्या करेंगे, बै। लोहा आपको पता है मिलाता नहीं, जस्ता नहीं मिलाता, उपयोग में कोई नहीं है, हो नहीं सकते, और तांबा आपको यहाँ करना है। पादप में फ्लोएम का कार्य होता है, तो इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको भोजन का वहन करना, ठीक है, वह ऑप्शन राइट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण हाउस के लिए आपको देखो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफ्लोर भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। वृद्ध हार्मोन को फिट्यूटरी हार्मोन का नियंत्रित करता है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना है ए ऑप्शन राइट, ठीक है, ए ऑप्शन आप फटाफट से राइट कर लीजिए साथियों। तो इस प्रकार से अपन ने 11 क्वेश्चन देखे हैं, आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं इसी वीडियो में। तो बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिम होता है, समतल दर्पण होता है उसको, उस पर बना प्रतिम कौन सा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन करते हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो फोटोग्राफर होते हैं खींचने के लिए उपयोग में ले जाने वाले कैमरे के अभिदृश्य होता है वो कौन सा होता है, 13 नंबर पर बात करते हैं वो होता है उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। फिर नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 14 में नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तु उल्टा तथा छोटा, नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है कौन सा, वास्तु उल्टा तथा छोटा। फिर क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 के साथियों, तो 15 पे आते हैं फटाफट। सीमा के दादा जरा दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उनके उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग करता है, 15 नंबर में, तो जरा दृष्टि दोष के लिए अपन प्रयोग करेंगे ऑप्शन ड्यूफोक्सी, ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन है उसको राइट कर लिया फटाफट से। फिर बात करते हैं दर से प्रकाश में किस वर्ण को तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो इसमें 16 नंबर में बात करते हैं सही ऑप्शन लाइट होगा लाल, ठीक है। तो साथियों अपने 16 क्वेश्चन देख लिए, फटाफट से आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए अधिकांश किसका उपयोग करता है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपका होगा प्रिज्म का, ठीक है, प्रिज्म कर लो, इसमें ऑप्शन राइट, आपके पास 4 ऑप्शन है उनमें से एक राइट है प्रिज्म। फिर एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है 746 वाट। यदि तीन समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 3600 होता, तो उसका प्रतिरोध का प्रतिरोध मान कितना होगा, तो 19 नंबर में साथियों आपको करना है 12 ओम, ठीक है, तीन पूछे हैं तो 3 12 ओम हो जाएंगे। फिर बात करते हैं निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, 12 नंबर आप राइट करोगे, इसमें सही ऑप्शन राइट होगा पीतल, पीतल वो क्या चुंबकीय पदार्थ नहीं है। फिर आगे एक क्वेश्चन जानते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 में किन्हीं दो चुंबकीय सर्जित ध्रुव के बीच परस्पर
परस्पर होता है। 21 नंबर में बात करते हैं ए ऑप्शन राइट होगा साथियों, ए प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की, तो 22 नंबर में आपको निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होता है। 22 नंबर में आप कर लो सह ऑप्शन सौर ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लेता है। फिर 23 नंबर में आप कर लो सौर सेल, ठीक है, सौर सेल है उसका प्रयोग करते हैं अपन। फिर आगे क्वेश्चन है 24 नंबर की बात करते हैं, सौर सेल बनाने का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर में बात करते हैं सौर सेल बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का, ठीक है। फिर बात करते हैं ओजोन परत निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है। 25 नंबर क्वेश्चन में है ओजोन परत है, इसमें आपका ओजोन परत वाले में बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 26 नंबर निम्न में कौन सा पदार्थ का जैविक प्रक्रम का अपघटित हो जाता है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन में होगा सूखे घास के बद्दू पे, सही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 27 नंबर में बात करते हैं सीएफसी का पूरा नाम, सीएफसी आपको पता है ये सातवीं आठवीं में से आपके लेसन लगा था तो इसको ये आपने पढ़ा है, तो 27 नंबर में आपको करना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट करना है। फिर साथियों आगे एक क्वेश्चन है वो अपन इसी वीडियो में देखेंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो क्वेश्चन नंबर 27 कर लिया, 28 नंबर पे अपन आए हैं, तो 28 नंबर में बात करते हैं, तो 28 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया साथियों ओजोन परत का जो ओजोन परत अवशोषित करती है, क्या अवशोषित करती है, तो इसमें बात करते हैं, तो 28 नंबर में आपको करना है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको, ठीक है, बे ऑप्शन राइट करना है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो 29 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है सह परमाणु संख्या को, ठीक है, सह ऑप्शन राइट करना है। फिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अष्टक नियम प्रस्तुत किया जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन में आपको करना है सह ऑप्शन राइट करना है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था ना उसको। फिर मादा जननांग स्त्री केसर का भाग होता है, तो वो अपन 31 नंबर क्वेश्चन अब देख रहे हैं, 31 में आपको करना है ए ऑप्शन राइट, ठीक है, ए ऑप्शन 31 में राइट करना है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन में आपको निम्न में से नर हार्मोन है, 32 में आपको करना है ए ऑप्शन राइट करना है। फिर बात करते हैं आगे ये कुछ क्वेश्चन है उनमें, आगे की भी क्वेश्चन अपन इसी वीडियो में देखेंगे, तो 35 क्वेश्चन है, 35 के 35 इसी वीडियो में अपन हल करेंगे। तो आगे 33 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, तो आपको पता है 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पौधे का चयन किया था, तो इसमें मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने, तो इसमें बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल है, तो इसमें होता है 23, ठीक है, बे ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना 35 नंबर क्वेश्चन, दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए गवाला दूध में क्या मिलाता है, जो दूध है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने दोस्तों 35 क्वेश्चन देखे हैं सामाजिक के, तो विज्ञान के 35 में से 35 नंबर आपके आने चाहिए, और NAS का पेपर है बहुत ही ज़बरदस्त आपका जाना चाहिए साथियों। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इसी प्रकार की क्लास से आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़ना, और अगर जिसको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज सकूँ। तो आप सभी साथियों से निवेदन है अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर कभी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।